अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। देश की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटों में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सीट का भी नाम आता है। गोमती के किनारे बसे लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। बीजेपी की ओर से पहले प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी की भी राजनीतिक कर्मभूमि लखनऊ रहा है। सपा और बसपा इस सीट पर आज तक अपना कब्जा नहीं कर पाए हैं। यहां पर 1991 से लगातार बीजेपी का कब्जा है। मौजूदा समय में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद हैं और 2019 के लिए भी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। जानेंगे कि इस बार के समीकरण क्या कहते हैं, लेकिन पहले नवाबी नगरी की राजनीतिक पृष्ठभूमि जान लेते हैं। लखनऊ संसदीय सीट पर कुल 16 बार लोकसभा चुनाव हुए। इसमें सबसे ज्यादा 7 बार बीजेपी और 6 बार कांग्रेस जीती। इसके अलावा जनता दल, भारतीय लोक दल और निर्दलीय ने एक एक बार जीत दर्ज की। लखनऊ लोकसभा सीट पर पहली बार 1952 में चुनाव हुए। कांग्रेस से शिवराज वती नेहरू जीतकर पहली बार सांसद बने। इसके बाद कांग्रेस ने लगातार 3 बार जीत हासिल की। 1967 में निर्दलीय उम्मीदवार आनंद नारायण जीते। 1971 में हुए आम चुनाव में कांग्रेस की शीला कौल सांसद बनी। 1977 में हेमवती नंदन बहुड़ा भारतीय लोक दल से जीते। 1980 में एक बार फिर शीला कौल यहां से सांसद बनी। 1984 में फिर से शीला कौल जीती और तीसरी बार सांसद बनी। 1989 में कांग्रेस के हाथों से जनता दल ने लखनऊ सीट को छीना। 1989 में जनता दल से मानधाता सिंह जीतकर सांसद बने। 1990 के दशक में बीजेपी के कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी यहां से जीते। पिछले 7 लोकसभा चुनाव से बीजेपी लगातार जीत दर्ज कर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी लगातार 5 बार यहां से सांसद चुने गए। 2009 में लालजी टंडन को बीजेपी ने मैदान में उतारा और वो जीते। 2014 के लोकसभा चुनाव में राजनाथ सिंह ने किस्मत आजमाई और वो भी जीते। इस बार लखनऊ में राजनाथ सिंह के सामने चुनावी रण में कई ऐसे चेहरे हैं जिनके जीतने की उम्मीदें तो कम हैं, लेकिन वोट काटने में वो कामयाब रहेंगे। ऐसे में मतदाताओं को समझना होगा कि उनके लिए सही उम्मीदवार कौन है। और अब नजर डालते हैं सामाजिक ताने बाने और मतदाताओं की संख्या पर। 2011 की जनगणना के मुताबिक लखनऊ में कुल जनसंख्या 23,95,147 है। पूरी आबादी 100% शहरी है। इस सीट पर 19,49,226 मतदाता और 1,748 मतदान केंद्र हैं। अनुसूचित जाति की आबादी 9.61% है। अनुसूचित जनजाति की आबादी 0.02% है। इसके अलावा ब्राह्मण और वैश्य मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। लखनऊ में 21% मुस्लिम आबादी रहती है। लखनऊ लोकसभा सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। 2014 के चुनाव में लखनऊ में 53.02% मतदान हुआ था। बीजेपी के राजनाथ सिंह ने कांग्रेस की रीता बहुगुणा जोशी को हराया था, जो अब बीजेपी में शामिल हो गयी। राजनाथ सिंह ने रीता बहुगुणा को 2,72,749 वोटों से हराया था। बीजेपी के उम्मीदवार राजनाथ सिंह को 5,61,106 वोट मिले थे। कांग्रेस की तत्कालीन उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी को 2,88,357 वोट मिले थे। बीएसपी उम्मीदवार निखिल दुबे को 64,449 वोट मिले थे। सपा उम्मीदवार अभिषेक मिश्रा को 56,771 वोट मिले थे। वैसे तो लखनऊ में बीजेपी मजबूत है और कयास है कि जीत भी बीजेपी की ही होगी, लेकिन फिर भी महागठबंधन होने की वजह से लखनऊ में राजनाथ सिंह को कड़ा मुकाबला मिलेगा। वहीं बात करें महागठबंधन की, तो जीत के लिए पुख्ता रणनीति पर काम करना होगा, वरना यहां बीजेपी की पताका तो फहरा ही रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।